हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने इनिशियल बैलेंस स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय विक्रम प्रभु फ्रॉम पिवट कॉल्स का बैक टेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट किया था। रिजल्ट्स वर गुड। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का उसे जरूर चेकआउट करना। सो टुडेज वीडियो इज पार्ट ऑफ अवर सब्सक्राइबर स्ट्रेटजी सीरीज वेयर वी विल बी शेयरिंग द ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइडेड बाय आवर सब्सक्राइबर्स। अगर आपको भी आपकी स्ट्रेटजी शेयर करना है लोगों से और उसका रिजल्ट देखना चाहते हो तो आप हमें मेल कर सकते हो। मैं आईडी स्क्रीन पे डाल दूंगा और उस सेटअप का नाम और जो भी आपको क्रेडिट्स लगेगा जैसे इंस्टा आईडी, मेल आईडी एक्सेट्रा, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक और चीज़, अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो मैं आपको क्रेडिट्स दे दूंगा, एंड लेट्स से कि रिजल्ट अच्छा ना रहा तो डोंट वरी, आई विल नॉट मेंशन योर नेम अनलेस यू वांट मी टू। अगर आपको अनोनिमस रहना है तो भी मैं नाम नहीं लूंगा। हम ऐसे ही वीडियो बना के हमारा ट्रेडिंग कम्युनिटी बढ़ा सकते हैं। आई अप्रिशिएट लोग इसमें ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मुझे इतने सारे स्ट्रेटजीज भेज के। तो उनमें से आज का स्ट्रेटजी हमारे सब्सक्राइबर्स धवल चचाड़िया की तरफ से है। सॉरी अगर मैंने नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया तो आई एम रियली सॉरी। आई हैड अ वंडरफुल कन्वर्सेशन विद धवल। ही इज एन एंटरप्रेन्योर एंड अ ट्रेडर हु मोस्टली ट्रेड्स एल्गो बेस्ड ऑन नॉन डायरेक्शनल ऑप्शंस। He doesn't have his own YouTube channel, so he wanted me to share his strategy with our audience. I'll also add his email ID and Instagram link in the description, or if he comments in this video, I'll pin it too. If you have any doubts regarding the strategy, he is more than happy to help you. एक concept है fractals, जो हम पहले discuss करेंगे video देखने से पहले। जब भी आप price देखते हो वो random appear होता है, बट वो एक्चुअली रिपीटिंग पैटर्न्स और ट्रेंड्स बनाता है। इसमें से एक ज्यादा पैटर्न है जो बहुत रिपीट होता है और वो है फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स आर सिंपली 5 कैंडल रिवर्सल पैटर्न्स। नाम सुन के फ्रैक्टल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट लग रहा होगा आपको, बट डोंट वरी, सिंपल है। फ्रैक्टल 5 या उससे ज्यादा कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है। द रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग अ फ्रैक्टल आर एज फॉलोस। आपको स्क्रीन पे दो इमेज दिख रहा होगा। पहला वाला जो आप देख रहे हो वो एक बेरिशल रिवर्सल है जिसमें एक हाईएस्ट हाई मिडल में होगा और दो लोअर हाई दोनों साइड्स में होंगे। वैसे ही दूसरा आप देख सकते हो वो एक बुलिश रिवर्सल पे आता है जहाँ पर लोएस्ट लो मिडल में होता है और दो हायर लो दोनों साइड्स में होता है। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर है। मैं रेफरेंस के लिए आपको इन्वेस्टोपीडिया का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वो देख सकते हो, तो आपको फ्रैक्टल्स के बारे में और अच्छे से पता चलेगा। ये फ्रैक्टल्स बेसिकली आपको एक सपोर्ट लेवल का पॉइंट्स ही बताता है। सो टुडे स्ट्रेटजी इज एन इंट्राडे स्ट्रेटजी विच वी हैव टेस्टेड इन इंडाइसेस। ही हैज ऑल्सो सेड दैट दिस वर्क्स इन स्टॉक्स। वी विल श्योरली चेक दैट इन आवर फ्यूचर वीडियोस। सिंस ये इंडेक्स स्ट्रेटजी है तो आप जानते हो कि हम इंडेक्स वाली स्ट्रेटजीज को फ्यूचर्स के लिए टेस्ट करते हैं। आप वो रिजल्ट्स देख के आइडिया लगा सकते हो कि ये स्ट्रेटजी ऑप्शंस में कैसे काम करेगा। तो इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं जहां हम ईएमए प्लस फ्रैक्टल स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय धवल चचाड़िया को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे और निफ्टी या बैंक निफ्टी प्लॉट करेंगे। सिंपली ऊपर निफ्टी या बैंक निफ्टी सर्च करो और तो आपको दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, तो उनमें से किसी एक को ऐड कर देंगे। अभी टाइम फ्रेम को हम 5 मिनट्स कर देंगे। अब इसके बाद हम इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे और फ्रैक्टल सर्च करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये विलियम फ्रैक्टल्स करके इंडिकेटर है वो आएगा जो बिल्ट इन इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में, आप उसे सिंपली ऐड कर दो। अब सेटिंग्स में सब डिफॉल्ट ही रखेंगे, दैट इज पीरियड 2 रखेंगे और बाकी स्टाइल्स में भी सेम रखेंगे। अभी वापस हम इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और ईएमए सर्च करेंगे तो आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला इंडिकेटर दिखेगा, तो उसे हम दो बार ऐड करेंगे। अभी इनमें से पहला वाला ईएमए को क्लिक करेंगे और इसके सेटिंग्स में जाएंगे। अभी लेंथ 20 रखेंगे और स्टाइल्स में जाके कलर को ग्रीन कर देंगे और ओके कर देंगे। अभी फिर सेकेंड इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पर लेंथ हम 50 करेंगे और इसके कलर को रेड कर देंगे और इसका भी थिकनेस बढ़ा देंगे। तो सेटअप रेडी। अब रूल्स देखते हैं। रूल्स फॉर बाय कंडीशन, फर्स्ट ईएमए 20 शुड बी ग्रेटर देन ईएमए 50, दैट इज ये जो ग्रीन ईएमए है दिस शुड बी अबव रेड ईएमए। नेक्स्ट एंड अपर फ्रैक्टल शुड बी फॉर्म। अभी इतना याद रखना कि लाइव मार्केट में हमेशा आपको अपर फ्रैक्टल 2 कैंडल के बाद ही दिखता है चार्ट पे, क्योंकि आपको दोनों साइड एक लोअर हाई फॉर्म होना चाहिए। एंट्री वुड बी ब्रेक ऑफ द अपर फ्रैक्टल, दैट इज हाई ऑफ अपर फ्रैक्टल, स्टॉप लॉस लो ऑफ प्रीवियस लोअर फ्रैक्टल और डे लो। अगर उस दिन लोअर फ्रैक्टल नहीं बनता है तो आपको डे का जो लो रहेगा आपको उसे स्टॉप लॉस कंसिडर करना है। टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क। इसमें एक और चीज़ है आपको देखना है कि आप मल्टीपल ट्रेड्स नहीं करोगे। अगर आपको ये वाला एंट्री मिला तो जब तक ये ट्रेड कंप्लीट नहीं होता तब तक आप कोई दूसरा एंट्री नहीं ले सकते,
ऐसा ही हमने बैक टेस्टिंग किया था उनसे बात करके, ये चीज पे अपन ने फाइनलाइज किया था। इसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कर सकते हो, वो हम लास्ट में रिजल्ट के टाइम बता देंगे कि क्या करना है। एक्चुअल मार्केट में जैसे ही आपको एक्सपीरियंस आएगा आप नेक्स्ट फ्रैक्टल पे पोजीशंस भी ऐड कर सकते हो। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ देखिए, आपको सेकेंड कैंडल 920 वाला था, वहाँ पर एक अपर फ्रैक्टल बना है और 20 EMA 50 EMA के ऊपर है। तो जैसे ही ये फ्रैक्टल को ब्रेक करता है तो हम इसके हाई पे एंट्री लेंगे, सिंस इस दिन में कोई प्रीवियस लोअर फ्रैक्टल नहीं है। तो यहाँ हम डे लो को स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क। सो दिस रिजल्टेड इन अ लॉस। अभी आप वापस देख सकते हो, यहाँ पर उसी दिन 1050 को एक और अपर फ्रैक्टल बनता है। तो जैसे ही ये ब्रेक होता है इसके हाई पे हम एंट्री लेंगे। अब स्टॉप लॉस आप देख सकते हो, इधर दो लोअर फ्रैक्टल है, एक अपर फ्रैक्टल के पहले है और एक अपर फ्रैक्टल के बाद है। तो आपको हमेशा जो अपर फ्रैक्टल के पहले जो बना है लोअर फ्रैक्टल को, उसको कंसीडर करना है। सो यहाँ पर हम इसको स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे, टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क एंड दैट्स अ विन। आई होप ये स्ट्रेटजी क्लियर है एग्जांपल के साथ। चलिए अब रूल्स फॉर सेल एंट्री भी देख लेते हैं। फर्स्ट रूल, EMA 20 शुड बी लेस देन EMA 50, दैट इज रेड EMA शुड बी अबव ग्रीन EMA, लोअर फ्रैक्टल शुड बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट, एंट्री वुड बी एट द ब्रेक ऑफ द लोअर फ्रैक्टल, दैट इज लो ऑफ द लोअर फ्रैक्टल। स्टॉप लॉस प्रीवियस हाई ऑफ अपर फ्रैक्टल और डे हाई। अगर अपर फ्रैक्टल उस दिन नहीं बना है तो आपको डे का हाई को स्टॉप लॉस कंसिडर करना है और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क। यहाँ भी देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो 20 EMA 50 EMA के नीचे है और यहाँ पर एक लोअर फ्रैक्टल बना है, तो हम इसके लो या फिर जहाँ पर इसने ब्रेक किया जो उसको एंट्री पॉइंट मानेंगे, स्टॉप लॉस डे का हाई रखेंगे एंड टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क एंड दैट्स अ विन। चलिए आई होप स्ट्रेटजी क्लियर है। तो इस स्ट्रेटजी को हम 100 टाइम्स टेस्ट करते हैं और इसका असली विन रेट चेक करेंगे। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। चलिए रिजल्ट देखते हैं। सो द टेस्ट आर ओवर। जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वॉज 100, उसमें से 53 वॉज विन एंड 47 वॉज लॉस। सो विन रेट हुआ 53%, टोटल गेन इन एन अकाउंट वॉज 42.82% एंड मैक्स ड्रॉडाउन इज -16.34%। कंटिन्यूस विन इन अ रो वॉज 8 एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो वॉज 6। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज 1.381 मंथ्स। सो द रिजल्ट्स आर गुड, 42.82% गेन इन 1.381 मंथ्स एंड ड्रॉडाउन इज लिटिल हाई विच इज -16.34%। इंडेक्स स्ट्रेटजीज में ड्रॉडाउन जनरली ज़्यादा ही होता है, विथ फ्यू ऑप्टिमाइजेशन दिस स्ट्रेटजी कुड वर्क वंडरफुली। अब इस स्ट्रेटजी में हम एक और पार्ट है जो धवल जी ने कहा था कि आप इस स्ट्रेटजी को फिक्स रिस्क रिवॉर्ड में नहीं यूज करना चाहते हो तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके भी यूज कर सकते हो और अपने विनर्स को अच्छे से राइड कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपका 1.5 टाइम्स टारगेट हिट होता है तो आपको स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है और डे के एंड तक राइड करना है। वो भी बोलते हैं कि बहुत टाइम पे वो ऐसे ही करते हैं, विद लिटिल एक्सपीरियंस आपको ये सब समझ आ जाएगा। एनीवेज, कूडोस टू धवल चचाड़िया फॉर शेयरिंग सच एन अमेजिंग स्ट्रेटजी विद अस। मैं उनका मेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप उन्हें कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो या कमेंट में मैं एक उनका कमेंट पिन कर दूंगा अगर उन्होंने रिप्लाई कर दिया तो। एज ऑलवेज, जैसे मैं बोलता हूँ, आपको सीधा मेरी बात या किसी की बात ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। हर स्ट्रेटजी को पहले खुद ही टेस्ट करो और फिर डिसाइड करो कि स्ट्रेटजी कैसे काम करता है। सो आई ऐड द स्ट्रेटजी इन गूगल शीट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड दिस टेक्स द 5th पोजीशन इन द लिस्ट। You can check the list and review or rewatch any specific strategy you like. So guys, if you like the video, please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification and do like the video and share the video. अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको UPI ID स्क्रीन पे होगा। अगर आपको ये वाला बैकटेस्टिंग शीट चाहिए तो मैंने इसे ऑलरेडी हमारे चैनल पे शेयर किया है, आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रहा रहेगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखना, आपको मिल जाएगा बैकटेस्टिंग शीट। प्लीज कमेंट में आपकी फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं कि हम बैकटेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज में, ये भी जरूर बताना। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरे स्ट्रेटेजीज के वीडियोज भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।